पाठ सतारवा दो नंबरां दा प्रश्न। पाठ दा उद्देश विद्यार्थियों नूं दसना कि हमेशा अपनी मेहनत दे बलबूते ते ही अपनी मंजिल नूं प्राप्त करो। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जिस स्कूल विच पढ़दे सन उत्थे दा अनुशासन बड़ा सख्त सी। ज्यादातर विद्यार्थी उच्च वर्ग दे सन। अनुशासनी होण करके बहुते विद्यार्थी डरते रहिंदे सन। डॉक्टर अंबेडकर बालपन तों ही तेज बुद्धि वाले सन। उन्हां दे दिल विच एक गल बैठ चुकी सी कि जो कुछ प्राप्त करना है ईमानदारी नाल करना है, भाव अपनी लियाकत नाल। एक बार जदों ओ मिडिल क्लास विच सन तां स्कूल विच हाउस टेस्ट हो रहे सन। पेपर शुरू होया नूं अजे एक घंटा ही होया सी कि अंबेडकर इधर उधर देखन लगे। कुदरती पेपर भी उस दिन मराठी भाषा दा सी। जदों ड्यूटी ते बैठे अध्यापक ने अंबेडकर वाल वेख्या तां एकदम कहन लगा, पीमे की गल इधर उधर देख रहे हैं? सर, मैनू एक शब्द दा अर्थ नहीं पता लग रहा। ओ अध्यापक जज्बाती सी क्योंकि ओ अंबेडकर नू पसंद करदा सी। दिखा मैनू पेपर। डॉक्टर अंबेडकर चुप करके उठ के उस अध्यापक कोल जा पहुंचया। अध्यापक ने बड़े प्यार नाल अंबेडकर नू उस शब्द दा अर्थ दस दिता। भीमराव अपनी जगह ते आ बैठे। कुछ देर बाद ही भीमराव दे चेहरे ते बेचैनी आ गई। उना अंदरों एक आवाज आई, एक काम चंगा नहीं, तू ता किसी मंजिल ते पहुंचना है, सिर्फ दो नंबरां लई अपने आप नाल धोखा। डॉक्टर अंबेडकर दे मन विच कशमकश शुरू हो गई। पेपर खत्म होन विच अजे 10 मिनट पए सन कि भीमराव खड़ा हो गया। उसने अपना पेपर अध्यापक दे हवाले कर दिता। भीमराव, अजे ता समा रहिंदा है, अग्गे तू कदे समय तो पहला पेपर नहीं सी फड़ाया, की गल? सर, मैं पेपर हल कर लिया। दिखाता मैनू। अध्यापक ने भीमराव दी उत्तर पत्री ध्यान नाल देखी ते अंतले प्रश्न वाल देख के बोले, की गल भीमे, आखरी प्रश्न नहीं आउंदे, सिर्फ प्रश्न लिखिया, उत्तर क्यों नहीं? डॉक्टर अंबेडकर ने झट जवाब दिता, सर, ए प्रश्न मैनू पूरी तरह आउंदा है, पर मैं ए हल नहीं करना चाहुंदा, क्योंकि जेड़ा तुसी मैनू दो नंबरां दा उत्तर मैनू दस्या है, ओ मैं अपनी जमीर दी आवाज ना लेके प्राप्त नहीं करना चाहुंदा, सो मैं आखरी प्रश्न छाड़ देता है, ते मैं ओ दो नंबर ए आखरी प्रश्न दे ही समझांगा। अध्यापक भीमराव दीआं गल्लां सुन के भावुक हो गया अते उसने भीमराव नूं खूब आशीर्वाद दिता।